एवरीवन की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 एंड फॉर द सबसिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज एक्स किलोमीटर एंड टोटल फेयर एज ₹y, राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि एक सिटी का टैक्सी फेयर इस तरह से बताया गया है कि पहले एक किलोमीटर के लिए ₹8 पे करने पड़ते हैं, ठीक है, जबकि उसके बाद के हर किलोमीटर के लिए ₹5-5 पे करने पड़ते हैं। तो यदि डिस्टेंस कवर्ड को आप x मान लें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड x हो और टोटल फेयर जो है ₹y हो, तो इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन यानी इस इंफॉर्मेशन के लिए एक लीनियर इक्वेशन आप लिखकर बताइए और फिर जो लीनियर इक्वेशन बनी है उसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमने मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक डिस्टेंस है, ठीक है, जो कि ट्रैवल कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हो गया सपोज ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। अब ये कि पहले एक किलोमीटर, मान लो ये एक किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक एक किलोमीटर है, ठीक है, तो यहाँ इस एक किलोमीटर का डिस्टेंस जब तय करते हैं तो हमें ₹8 पे करने पड़ते हैं, तो ₹8 देना पड़ता है। पर इसके बाद के हर किलोमीटर, जैसे इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमें ₹5, फिर ₹5, इस तरह से पे करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन में ये भी कहा है कि आप टोटल फेयर कितना, मान लो यहाँ टोटल फेयर कितना है, टोटल फेयर ये कितना है ₹y कंसीडर करना है, ठीक है, टोटल फेयर ₹y कंसीडर करना है, और जो डिस्टेंस है टोटल यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो कवर कर रहे हैं वो x कंसीडर करना है और इसके रिस्पेक्ट में एक इक्वेशन बनानी है। तो देखिए, जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक गए तो ₹8 पे किए, ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में एक किलोमीटर तो तय हो गया, तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जो तय करना है वो कितना है, टोटल डिस्टेंस जो है वो एक्स है और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें एक किलोमीटर कम कर लो, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा टोटल एक्स डिस्टेंस में से एक कम, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है एक्स माइनस वन इसका जो फेयर देना है वो ₹5 पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग देना, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो इक्वेशन क्या बनती है, अगर ए से सपोज ये बी है, ये हमने सी मान लिया, अगर ए से सी जाना है और फिर क्या जाना है, सी से लेकर बी जाना है, तो वही क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो मीन्स हमें इतना डिस्टेंस तय करना है और इसके लिए कितने रुपए देने हैं, ₹y। तो जब एसी डिस्टेंस तय करते हैं तो एसी को तो कितना है, सिर्फ कितना ₹8 ही देना पड़ता है, पर जब हम सी बी डिस्टेंस तो पर किलोमीटर, एक किलोमीटर के लिए कितना ₹5, और कितने किलोमीटर है यहाँ पर टोटल, एक्स माइनस वन किलोमीटर, ऐसे ₹5-₹5 के हिसाब से, तो एक्स माइनस वन, ठीक है, प्लस, तो यही ₹8 और ₹5-₹5 के अकॉर्डिंग x माइनस वन डिस्टेंस, ये पूरा क्या है, टोटल फेयर है, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को तय करने में टोटल फेयर पहले तो एक किलोमीटर ₹8 और फिर बाकी x माइनस वन जो किलोमीटर्स बचे हैं वो ₹5-₹5 के हिसाब से बना, तो यानी कि टोटल फेयर को क्या माना है, x, ये y माना है, तो y, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 1, ठीक है, तो ये बन गई इक्वेशन। इसको और मल्टीप्लाई कर दिया जाए अंदर तो ये बन जाता है y इज इक्वल टू 8 प्लस, और इसका मल्टीप्लाई से 5 इंटू x, 5x और 5 इंटू माइनस 1, 5 बन जा 5, ठीक है, ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया हमारा, y इज इक्वल टू 8 और माइनस 5, ये हो गया प्लस का 3 प्लस 5x, ठीक है, 5x वाले को इधर कर लीजिए तो आप, तो इसको इधर ले लें तो ये बन जाता है y और ये इधर आया माइनस का 5x इज इक्वल टू 3, तो ये बन गई हमारी क्या, इक्वेशन, ठीक है, यही हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। अब इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है,
तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन, इसके रिस्पेक्ट में ग्राफ प्रिपेयर करने में। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ रखते हैं और y की वैल्यू उसके रिस्पेक्ट में लेकर के आते हैं, ठीक है। और फिर वो जो कोऑर्डिनेट्स हमें मिलते हैं उसके साथ हम ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहले x की कुछ वैल्यू हम रखें, व्हेन x इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, जीरो ले लिया सबसे पहले। तो जब आप यहाँ जीरो लोगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू थ्री में x की जगह जीरो प्लेस करेंगे तो y माइनस फाइव इंटू जीरो इज इक्वल टू थ्री। तो y माइनस फाइव जीरो जब जीरो इज इक्वल टू थ्री, फाइनली आया y इज इक्वल टू थ्री। तो जब हमने x क्या रखा, जीरो रखा, तो y कितना आया, थ्री आया, ठीक है। अब इसी तरह से हमने ले लिया when x क्या हो, वन हो, तो हमने x वन ले लिया, y माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो y माइनस फाइव इंटू और x की जगह पर क्या ले रहे हैं, वन इज इक्वल टू थ्री। तो y माइनस फाइव वन जब फाइव इज इक्वल टू थ्री, और y इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस का, उधर जाके प्लस का, तो थ्री प्लस फाइव मतलब एट। तो y की वैल्यू क्या आई, एट आ गई, ठीक है। एक वैल्यू और ले दो, जब हम लेते हैं x, नाउ व्हेन x इज इक्वल टू हमने ले लिया माइनस वन, तो जब माइनस वन लिया तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आएगी, y माइनस फाइव x इज इक्वल टू थ्री, दिस इज द इक्वेशन, y माइनस फाइव इंटू माइनस का वन, x की जगह माइनस वन इज इक्वल टू थ्री, और ये हो गया y माइनस माइनस प्लस फाइव वन जा फाइव इज इक्वल टू थ्री। इसको उधर कर दीजिए तो y इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो थ्री माइनस फाइव, तो y इज इक्वल टू माइनस का टू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स। अब अगर हम इसको बॉक्स में लिख लें तो ये x, y, तो पहले जब हमने x क्या लिया, जीरो, तो y कितना आया, थ्री, ठीक। जब x लिया वन तो y आया एट, और जब x लिया हमने माइनस वन तो y आया हमारा माइनस टू। तो जो कोऑर्डिनेट्स बने इससे क्या बनेंगे, जीरो थ्री, इससे क्या बनेंगे, वन और एट, और जो तीसरा कोऑर्डिनेट बना वो है माइनस वन माइनस टू, ठीक है। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स लेकर के हम ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। तो ये है हमारे तीन कोऑर्डिनेट्स, इसको लेकर के हम क्या करेंगे, ग्राफ कंप्लीट करेंगे। अब ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। और फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो है जीरो थ्री, तो जीरो ऑफ एक्स, तो एक्स का जीरो और वाई का थ्री, तो वाई पर थ्री कहाँ है, ये है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दिस इज जीरो एंड थ्री, और फिर है वन एट, तो एक्स पर वन और वाई पर एट, तो इस तरह से ऊपर जाएंगे प्लस में एट यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दैट इज वन एंड एट, दिस इज कोऑर्डिनेट वन एट। और अब है तीसरा माइनस वन माइनस टू, तो एक्स पे माइनस वन ये रहा, और वाई पर माइनस टू से नीचे लाएं तो ये रहा, ठीक। तो यहां पर ये पॉइंट है करीबन यहां, तो ये है माइनस वन माइनस टू। और अब इन तीन पॉइंट्स को क्या है, एक लाइन से मिला दीजिए। तो जब आप ड्रॉ करेंगे लाइन तो ये तीनों पॉइंट्स उसके ऊपर आएंगे, ठीक है। और इसके बाद इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दीजिए, y माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू थ्री। तो ये हो गया हमारा ग्राफ भी कंप्लीट। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।